ओंकारेश्वर जी, इस पूरे एपिसोड में रामदेव, उनकी कंपनी, उनके बालकृष्ण जो प्रबंध निदेशक है, सब कटघरे में है। और ये आज की बात नहीं है, वो लगातार कटघरे में बने हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उनके तार सत्ता तंत्र से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहली बार ये एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी हम लगातार देख ही रहे हैं। फिर भी आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये रामदेव की कंपनी पतंजलि के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना रामदेव का के द्वारा, ये तीनों चारों चीजें मिलाकर कैसे देखेंगे आप? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी अपनी एक सीमा है। अभी जो शीतल भाई कह रहे थे, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप ऐसे विज्ञापन नहीं देंगे, और चूंकि आपने ऐसे विज्ञापन नहीं देने के उनके आदेश के बावजूद विज्ञापन देना जारी रखा है, ये सिर्फ अवमानना का मामला है, इतना ही भर है। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इन इन उत्पादों के इस प्रकार के विज्ञापन नहीं देंगे, जिसमें आप कह रहे हैं, जो बेसिक लड़ाई है वो ये है कि उन्होंने सर्टेन बीमारियों का नाम दिया है कि भाई ये बीमारियों का निदान वो नहीं कर सकते, और हम इसको जड़ मूल से वो करते हैं, इसका निदान करते हैं। आईएमए ने इसी पर ऑब्जेक्ट किया कि आज तक ऐसी कोई विधि नहीं आई हमारे पास भी इन बीमारियों को नियंत्रित करने का उपाय है, जड़ से खत्म करने के हमारे पास दवा नहीं है, और ऐसा कोई शोध हुआ नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हम जड़ से उखाड़ रहे हैं, तो ये गलत बयानी है। ये सिर्फ उनको डिफाई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि अपने अपना ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। तो ये प्रूव कैसे होगा? मतलब दुर्भाग्य ये है कि इतने गंभीर सवाल पे सरकार की कोई एजेंसी यह नहीं जांच कर रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है, ये ऑब्जर्वेशन में आया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये सवाल उठा रहा है कि भाई ऐसी कोई जांच नहीं है, तो इसको एक इंडिपेंडेंट शोध कराया जाए। आप फर्क देखिए, प्रोडक्ट के शोध की या प्रोडक्ट को सेल करने पे सुप्रीम कोर्ट का कोई बैन नहीं है। बैन सिर्फ इतना है कि एडवर्टीजमेंट आप नहीं करेंगे, और एडवर्टीजमेंट में इस तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन बात उससे आगे की है ना, कि जिस प्रोडक्ट को या जिस कंपनी को इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करने से आप रोक रहे हैं, आप एक लाइन और कह देते कि इनके सारे प्रोडक्ट्स की जांच कराई जाए, शोध कराया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है, तब तो सच्चाई आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने उस लिमिट में जा रहा है कि भाई देखिए, वहां पर एप्लीकेशन लेके आप क्या गए हैं, उसी की रेमेडी मिलेगी। एप्लीकेशन लेके ये गए कि साहब आपने ऑर्डर किया था ये विज्ञापन मत दो, तो क्या हुआ भाई, तो ये विज्ञापन फिर भी दे रहे हैं, तो भाई ठीक है, आपने हमारी अवमानना की है, आप विज्ञापन नहीं देंगे, ये सुओ मोटो ऑर्डर है कि पूरा का पूरा एक आदेश कर दिया कि अब आप फर्दर कोई विज्ञापन अगले आदेश तक नहीं करेंगे। हो सकता है कि फिर वो ऊंचे बेंच में जाएं, सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी पीठ पे जाएं, और उसपे से कुछ उनको राहत मिल जाए। तो फिलहाल ये फर्क है। इस देश में जो वो सवाल शीतल जी उठा रहे थे वो बिल्कुल वाजिब है कि भाई अब कितने लोग मर जा रहे हैं, ये कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आप किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस देश को बहुत आस्था है आयुर्वेद में, इस देश को बहुत आस्था है योग में, और पतंजलि से पहले भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस देश में रहे हैं, अलग अलग कंपनियां इस बनाती रही हैं, लेकिन उसको किसी ने इस तरह का क्लेम नहीं किया कि मैं बिल्कुल पूरी तरह छुड़ा दूंगा और ये जड़ से मिटा देता है और ऐसे कर देता है। तो जब कोई कर रहा है ऐसा, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका शोध का तरीका होना चाहिए, उसके सर्टिफिकेशन का तरीका होना चाहिए, वो है नहीं। आप देखिए कि जिस समय कोविड हुआ, कोविड के बाद सेकंड फेज में वो जो सेकंड डोज दिया गया, उसके बाद बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत से लोग अचानक मरे, और उसका कोई शोध करने वाला नहीं कि ये सेकंड डोज फायदेमंद था या नुकसानदेह था। साइंस ये कहता है कि किसी भी नए प्रकार के इस प्रकार के डोज या वो सब आते हैं, उसमें 4 साल से 10 साल तक उसको एक्सपेरिमेंट करने में लग जाते हैं, ये सही है कि नहीं? क्योंकि कई दवाएं, कई इंजेक्शन आज की बजाय 4 साल बाद उस पर रिएक्शन होता है, उसको कौन देखेगा? तो ऐसे मामले में मुझे लगता है, और ये पतंजलि के जो प्रबंधक हैं उन लोगों ने कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हालांकि थोड़ा बहुत कम हुआ है, शेयर मार्केट 2-4% की रिपोर्ट आई है कि 4% का फर्क पड़ा है, लेकिन उनसे बिजनेस पे उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एडवर्टीजमेंट रोकना काफी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पे लगा कि ये गलत है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो एक कदम आगे जाए, कहे कि भाई जिस बात को हम गलत कर रहे हैं उसी बात को जांच कराने का आदेश देते हैं, और नहीं तो सरकार को आगे आना चाहिए, भाई जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है गलत है उसकी जांच हम ही करा लें, लेकिन कौन देखने वाला है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।